लास्ट क्लास में हम जब डिस्कस कर रहे थे तो आपको ये बताया गया था कि टैक्स को कम करने से क्या असर होता है अर्थव्यवस्था पे और बढ़ाने से क्या होता है, डिमांड पे उसका क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट पे क्या फर्क पड़ता है, पॉवर्टी पे क्या फर्क पड़ता है, इन्फ्लेशन पे क्या फर्क पड़ता है, ये सारा हम लोग टैक्स में देख चुके थे कल। आज हम लोग बात करते हैं एक्सपेंडिचर का। तो ये जो फिस्कल पॉलिसी है ये किसके द्वारा बनाया गया है? फिस्कल पॉलिसी कौन बना रहा है? गवर्नमेंट, ठीक है। अब गवर्नमेंट का हम लोग बात करना है एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या क्या हो सकता है? गवर्नमेंट का खर्च क्या क्या हो सकता है? जैसे आप अपना खर्च है, आपका कुछ गवर्नमेंट का भी खर्च है। आप लोग क्या खट में जब कर क्या रहे हैं? आप उधर बात कर रहे हैं, इधर बात कर रहे हैं। तो एक्सपेंडिचर में क्या है, आपको ये खर्च देखना है किसका? गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट का क्या क्या खर्च है सोच के बताइए। जैसे आप रिसेंट अभी न्यूज में सुन रहे होंगे, एक्सपोर्ट बैन किया गया व्हीट का, ऐसा सुने हैं? व्हीट का एक्सपोर्ट को बैन किया गया। क्यों किया गया? ताकि भारत में लोगों को खाने पीने का दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अगर यहीं पे अनाज नहीं रहेगा तो अगर सब बाहर भेज देंगे तो यहाँ पे खाएंगे क्या? मतलब फूड सिक्योरिटी के लिए एक्सपोर्ट को बंद कर दिया गया वीट का। तो फूड सिक्योरिटी मतलब क्या? कि सबको खाना मिले, इसके लिए बहुत सारे लोगों को जो बीपीएल फैमिलीज है उनको अनाज मिलता है सरकार के द्वारा। तो जो अनाज मिलता है वो कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट उसका खर्च उठाता है। वो क्या हो गया? गवर्नमेंट का खर्च हो गया। मतलब लोगों को जो फ्री में अनाज मिलता है वो क्या है? गवर्नमेंट का एक खर्च हुआ। हुआ या नहीं हुआ? अगर कोई भी डेवलपमेंट का काम हो रहा है, रोड बन रहा है, ओवर ब्रिज बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, तो ये सब खर्च किसका है? गवर्नमेंट का है। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको सैलरी देना है, तो वो किसका खर्च है? गवर्नमेंट का खर्च है। पेंशन देना है उसका खर्च है। तो बेसिकली एक्सपेंडिचर मतलब बहुत सारा खर्च हो गया जो भी सरकार अपना करता है, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर करने से कैसे, मतलब एक्सपेंडिचर में क्या कर सकते हैं? तो दो चीज किया जा सकता है कि एट प्रेजेंट जो भी एक्सपेंडिचर, या तो उसको इंक्रीज करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, और अगर डिक्रीज करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। जैसे इसका हम लोग देखते हैं टैक्स को बढ़ाने पे क्या होता है और घटाने पे क्या होता है, उसी तरीके से खर्च को अगर हम बढ़ा दें तो क्या होगा और घटा देंगे तो क्या होगा, ठीक है। जितना भी योजना चलता है वो भी सरकार का क्या है? खर्च है। जैसे मान लीजिए अभी पीएम किसान योजना चलता है जिसमें सरकार एक किसान को कितना देता है साल में? 6,000। तो सपोज कीजिए जितने भी किसान है, लगभग 15 करोड़ या 20 करोड़ जो भी किसान है, उनको अगर सालाना 6,000 रुपया एट प्रेजेंट मिल रहा सपोज कर लेते हैं, 15 करोड़ लोगों को ये अप्रॉक्स मिल रहा है, तो ये अमाउंट बहुत बड़ा होगा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो। होगा या नहीं होगा? अगर ये योजना को बंद कर दिया जाए तो सरकार का इतना पैसा बचेगा, 15 करोड़ × 6,000 रुपया बचेगा। तो गवर्नमेंट अभी तो ये चल रहा है, तो इसमें दो काम गवर्नमेंट कर सकता है, या तो इसको बढ़ा सकता है या तो इसको घटा सकता है, घटा सक करके जीरो भी कर सकता है। तो बेसिकली बोला क्या, एग्जाम्पल एक ले रहा है कि जैसे मान लेते हैं ये सरकार का एक साल का खर्च है एक किसान के ऊपर, अगर इसको बढ़ा दे गवर्नमेंट आज अगले साल ये अनाउंस कर दे कि नेक्स्ट ईयर से ये अब 6,000 की जगह 12,000 मिलेगा, तो इससे क्या होगा? पूरे अर्थव्यवस्था में जितने भी किसान हैं सबको पैसा अधिक मिला। अधिक मिला मतलब क्या? मनी सप्लाई, लोगों के पास पैसा अधिक हो गया। मतलब ये जो 15 करोड़ किसान जो हैं उनके पास पहले से अब अधिक पैसा पहुंच रहा है। मतलब पूरे अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो कंपेयर करेंगे तो लाखों करोड़ रुपया ये हो जाएगा, तो उतना पैसा लोगों के पास अधिक हो गया, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या कि एक्सपेंडिचर जब इंक्रीज हुआ तो मनी सप्लाई, ठीक है, मुद्रा आपूर्ति, मतलब पूरे अर्थव्यवस्था में जो पैसा का मात्रा है वो क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। और अगर इसको कम कर दिया जाए, मतलब खर्च को कम कर दे, तो मुद्रा का जो आपूर्ति है मतलब पूरे भारत में जो पैसा है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, अब ये तो एक एग्जाम्पल हुआ योजना का, ठीक है। कोई और भी आप
ले सकते हैं कोई भी चीज का। जैसे मान लीजिए कोई भी डेवलपमेंट का काम हो रहा है, जैसे मान लीजिए एयरपोर्ट बन रहा है, एयरपोर्ट बनाने के लिए मान लीजिए सरकार ने अनाउंस किया कि बिहार में दो और एयरपोर्ट बनेगा, उससे क्या होगा? उसके लिए पैसा एलोकेट होगा, मान लीजिए हजारों करोड़ रुपया, 1,000 रुपया, 1,000 करोड़ रुपया एलोकेट हुआ कि एक एयरपोर्ट के खर्चा बनाने में खर्च आएगा, ठीक है। तब ये पैसा जो है 1,000 जो करोड़ ये अनाउंस हुआ या एयरपोर्ट बनाने के लिए मिला, तो ये पैसा कहाँ गया? तो वहां पे रॉ मटेरियल खरीदा गया, ठीक है, वहां पे लोगों को रोजगार मिला, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक यूज हुआ, तो उसके कारण क्या हुआ? सबको रोजगार मिला, ठीक है। उससे क्या होगा कि लोगों के पास ये जो 1,000 रुपया करोड़ रुपया, इधर कुछ ना कुछ सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कुछ ट्रांसपोर्टर हो गया, कुछ रॉ मटेरियल वाले को गया, कुछ लेबर्स को गया, कुछ ठेकेदार को गया, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या कि अर्थव्यवस्था में या पूरे बिहार में या पूरे भारत में इतना का एक्स्ट्रा पैसा आ गया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इतना मनी सप्लाई मार्केट में अधिक हो गया। तो कभी भी गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगा तो मनी सप्लाई क्या होगा? बढ़ेगा, और एक्सपेंडिचर को घटाएगा तो मनी सप्लाई घटेगा। मतलब सिंपल सा ये है कि अगर सरकार ज्यादा खर्च करेगी तो लोग पूरे भारत में अधिक पैसा होगा, और कम खर्च करेगी तो कम पैसा होगा, कोई दिक्कत? इसके बाद अगर लोगों के पास पैसा अधिक होगा तो लोग क्या करेंगे, डिमांड अधिक करेंगे या कम करेंगे? तो जो डिमांड होगा वो क्या होगा? इंक्रीज करेगा, और यहाँ पे डिमांड क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो लोग डिमांड करेंगे तो इन्फ्लेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, इन्फ्लेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, और यहाँ इन्फ्लेशन घटेगा। डिमांड का अगर बात करें तो इस पे ग्रोथ का क्या असर होगा? जैसे मान लीजिए लोगों के पास पैसा अधिक होगा तो इस समय बोल सकते हैं कि ग्रोथ अधिक होगा या कम होगा? अधिक होगा, तो ये बोल सकते हैं ग्रोथ, या इसको बोल सकते हैं जीडीपी हमारा क्या होगा? इंक्रीज होगा। ऐसा मतलब लाइन बाय लाइन बहुत सारा चीज लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक हमारा ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये बेसिक मेन हो गया, ठीक है। ये हमेशा आपको याद रखना है या समझ के रखना है कि कैसे 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 इंटरलिंक होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है कि क्या, हाँ हाँ तो जीडीपी बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी साथ में बढ़ेगा ना। जैसे सरकार एक्स्ट्रा खर्च कर रही है, जैसे मान लीजिए एयरपोर्ट बनाने के लिए एग्जाम्पल लिया, अगर एयरपोर्ट बनाएगा तो और रोजगार ऑटोमेटिक क्रिएट होगा, डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, गरीबी कम होगा, बहुत सारी चीज बोल सकते हैं। और कुछ तो बेसिक ये बात, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन पूछा गया कि अगर भारतीय अर्थव्यवस्था में डिमांड को बढ़ाना है तो सरकार को खर्च में क्या करना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे अगर गवर्नमेंट चाहती है कि डिमांड, भारत में जो मांग है उसको बढ़ाना है, तो गवर्नमेंट क्या स्टेप ले इन केस ऑफ एक्सपेंडिचर? तो क्या लेगा? तो उसको बढ़ाएगा। ऑप्शन में से बढ़ाना, घटाना, कुछ नहीं करना या दोनों करना, ठीक है। तो इस टाइप से आपको सोच के आपको जवाब देना पड़ सकता है, क्वेश्चन कुछ ही पूछा जा सकता है कि डिमांड को बढ़ाने के लिए, या मान लेते हैं ग्रोथ को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए एक्सपेंडिचर के अंदर, ठीक है। तो ये सब चीज आपको समझ के रखना है कैसे एक दूसरे से आपस में इंटरलिंक है। तो कल आपको हम बताए थे कि फिस्कल पॉलिसी के अंदर दो टूल है, टैक्स और एक्सपेंडिचर, यही दोनों टूल हम डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। तो ये लिख लीजिए ये वाला टेबल, इसमें क्या है कि अभी तक जैसे मॉनेटरी पॉलिसी जो हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे बहुत सारा टूल था, सीआरआर था, एसएलआर था, उसका डेटा हम लोग को देखना होता था कि आरबीआई ने क्या चेंजेस किया है। तो कैसे देखते थे हम लोग, अगर आपको आज कोई पूछे कि सीआरआर क्या है तो कैसे, क्या आप क्या करेंगे उसके लिए, क्या करेंगे? आरबीआई का वेबसाइट जाएंगे, वहां पे देखेंगे सीआरआर का क्या परसेंटेज है, ठीक है, या एसएलआर का क्या परसेंटेज है। उसी तरीके से आपसे कोई अगर पूछे कि टैक्स कितना लग रहा है, कहाँ से कितना टैक्स आ रहा है, गवर्नमेंट कहाँ पे कितना खर्च कर रहा है, तो कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? गवर्नमेंट, तो अगर आपको टैक्स और एक्सपेंडिचर के बारे में जाना है तो ये कौन बताएगा? ये बताएगा बजट, ठीक है। तो बजट में होता क्या है, बेसिकली टैक्स और एक्सपेंडिचर का डिटेल ब्यूरन होता है। तो इसके बारे में लिखिए,
ये कर और व्यय का विस्तृत जानकारी कर एवं खर्च या व्यय लिखे का विस्तृत जानकारी सरकार बजट के माध्यम से देती है। डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ टैक्स एंड एक्सपेंडिचर इज प्रोवाइडेड इन बजट। डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ टैक्स एंड एक्सपेंडिचर इज प्रोवाइडेड इन बजट। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है बजट कि बजट क्या होता है। ठीक है, तो बजट में एक चीज अभी तक जो भी हम लोग डिस्कस किए से ये पता चला कि बजट के अंतर्गत क्या होगा, तो टैक्स और एक्सपेंडिचर का कुछ कुछ न कुछ उसके बारे में जानकारी हम लोग को मिलेगा अभी तक का जो भी हम लोग पढ़ाई किए हैं। तो हम लोग थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं कि बजट क्या होता है, कैसे होता है। तो बजट मतलब क्या, जैसे बजट क्या, जैसे आपको मान लीजिए आपको बजट बोला गया बनाने के लिए कि आप अपना मंथली एक्सपेंस का जो भी आपका महीने का खर्च है उसका बजट बनाए, तो कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप क्या किए, एक पेपर लिए। ठीक है, एक पेपर लिए, इसमें क्या लिखें, सबसे पहले तो लिख देते हैं कि बजट बनाना है। ठीक है, एक एक करके बोलिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपना इनकम देख लेंगे, बजट बनाना है तो इनकम देख लीजिए, मतलब आय का सोर्स देख लीजिए आपका क्या सोर्स है आय का। तो आय का सोर्स क्या क्या हो सकता है आपके लिए, क्या हो सकता है, जो भी आपको गार्जियन से पैसा मिल रहा है वो, और कोई सोर्स है, और कोई हो भी सकता है सोर्स, मतलब जितने भी आपको इनकम इनकम के सोर्स है वो सारा आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, कि ओवरऑल हमको यहाँ से इतना पैसा आ रहा है, यहाँ से इतना पैसा आ रहा है, टोटल मान लीजिए 10,000 रुपया आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनकम पता चल गया, अब क्या करना है, क्या हाँ, तो अब लिखना है आपका खर्च, मतलब एक्सपेंडिचर क्या है। तो मान लीजिए आपको लिखना है कि आप अगर हॉस्टल में रहते हैं तो रेंट इतना है, अगर फूड पे कितना एक्सपेंस है, ट्रैवल पे कितना एक्सपेंस है, बुक पे कितना एक्सपेंस है। ठीक है, ये सारा हम अपना एक्सपेंस का डिटेल लिखेंगे और ये हमारा हो जाएगा बजट। ठीक है, अब इसमें एक चीज मिसिंग है, एक चीज मिसिंग ये है कि बजट का एक टाइम फ्रेम हम लोग नहीं लिखे हैं कि ये बजट बनाए कितने, एक साल के लिए बना हुआ है या एक महीना का बना हुआ है। ठीक है, तो बजट का कुछ ना कुछ एक टाइम फ्रेम होगा कि बजट हम एक दिन का बना रहे हैं, एक वीक का बना रहे हैं, एक साल या एक महीने का बना रहे हैं। ठीक है, तो लोग बोल सकते हैं मान लीजिए एक महीने का हम लोग का ये बजट है, ये बजट बनाया जा रहा है, कब का बजट बना सकते हैं, ये तो महीने का बोल रहे हैं ना, ये महीने का बजट, किस महीने का बजट बनाया, जून का बना सकते हैं। तो हम लिख देते हैं कि टाइम फ्रेम क्या है, जून 2022 का है। ये पॉसिबल है अगर मई का या मान लेते हैं जनवरी का बनाना है कि जनवरी 2022 का बजट बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, नहीं सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते, क्यों, समय बीत गया है। देखिए बजट क्या होता है, कोई एक ये नहीं है कि फिक्स, मतलब बजट का मतलब ये नहीं है कि जो हम लिख दिए वही करेंगे, बजट का मतलब एक अनुमान होता है कि ऐसा करना है। ठीक है, तो कभी भी फ्यूचर में ही हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि फ्यूचर में ये करना है, तो जरूरी नहीं है कि अगर आप बजट अपना इस टाइप से डिजाइन किए तो हो सकता है ये इनकम आपका इस मंथ में 10,000 ना हो के 8,000 ही हुआ, यहाँ पे जो फूड का एक्सपेंस है हो सकता है वो ज्यादा लग गया, ट्रेवल का एक्सपेंस होता है ज्यादा लग गया,
या कम भी लग सकता है, ठीक है। तो बेसिकली बोलने का ये मतलब है कि ये जो बजट होता है अनुमानित होता है, ठीक है, अनुमानित होता है और हमेशा फ्यूचर डेट के लिए होता है, ठीक है, कि आने वाला समय के लिए बजट बनता है, बीता हुआ समय के लिए बजट नहीं बनता है, और वो हमेशा अनुमानित होता है, मतलब जो बजट में लिखा गया वही नहीं करना है, उसी के मतलब देखते हुए करना है कि वो फिगर मैच कर जाए, अगर नहीं मैच किया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो तीन चार चीज है इसके अंदर, बजट के अंदर। सबसे पहला क्या, कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए बनता है और फ्यूचर के लिए बनता है, भविष्य के लिए बनता है, ठीक है। दूसरा बात, यहाँ पे इनकम का हम लोग सोर्स देखते हैं कि इनकम का हमारा कितना कितना सोर्स है, और दूसरा बात एक्सपेंडिचर है, कहाँ कहाँ खर्च है। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन अगर होगा, ये सारा चीज अगर इस डॉक्यूमेंट के अंदर है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये बजट है, ठीक है। उसी प्रकार से गवर्नमेंट भी अपना बजट बनाता है, तो गवर्नमेंट भी अपने बजट में यही सब चीजों को डालेगी। क्या क्या, तो सबसे पहला टाइम फ्रेम, ठीक है, कि क्या कितने समय के लिए बजट बन रहा है, दूसरा उसका आय का सोर्स, और तीसरा एक्सपेंडिचर, मतलब बजट के अंदर ये तीन चीज मेन होता है। तो इसको डिफिनेशन इसका लिख लीजिए, बजट होता क्या है, हिंदी में पहले लिखिए, ठीक है। बजट एक वित्तीय पत्र है, बजट एक वित्तीय पत्र है जिसमें सरकार आने वाले वर्ष के लिए, आने वाले वित्तीय वर्ष का अनुमानित आय एवं खर्च का विवरण देती है। बजट एक वित्तीय पत्र है जिसमें सरकार आने वाले वित्तीय वर्ष का अनुमानित आय एवं खर्च का विवरण देती है। इंग्लिश में लिखिए, बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंग्लिश में लिख कौन रहे हैं, सिर्फ एक आदमी है, लिखे बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन विच गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एस्टिमेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एस्टिमेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर कमिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो ये तो हो गया बजट का डिफिनेशन के बाद। अब कुछ उसके फैक्ट्स लिखिए, बजट संबंधित तथ्य, फैक्ट्स रिलेटेड टू बजट। अब बजट आपको हम बताएं कि बजट का एक स्टेटमेंट है, उसके अंदर हम लोग डिटेल डिस्क्रिप्शन देते हैं किस चीज का, खर्च का और आय का। तो इसका नाम बजट ही क्यों है, इसका नाम बजट क्यों पड़ा, हिंदी में भी बजट बोलते हैं, इंग्लिश में भी बजट बोलते हैं, ठीक है। तो बजट ये आया किधर से, तो बजट का परंपरा शुरू होता है फ्रांस से, ठीक है। वहां के जो वित्त मंत्री थे वो अपना बजट ऐसे पेपर में अपना लिख के ले गए, ठीक है, कि ऐसा ऐसा करना है, इतने साल के लिए ये मेरा खर्च है, ये मेरा इनकम का सोर्स है। अब ये पेपर को वो क्या करते थे, ये पेपर जिस पेपर में लिखा होता था उस पेपर को लेदर के बैग में लेके जाते थे, ठीक है। अब लेदर के बैग को वहां पे फ्रांस में बोला जाता है ब्यूगेट बोला जाता है, उसी को फिर जब इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म किया गया तो बन गया बजट, और हिंदी में भी वही होता है बजट। तो एक्चुअल में बजट है क्या, बजट का मतलब फ्रेंच में क्या होता है, एक लेदर बैग होता है, ठीक है। इसलिए पहले का आप देखे होंगे परंपरा होता था कि लेदर बैग के अंदर बजट को लेके जाते थे, आज के डेट में इंडिया में ये नहीं होता है, ठीक है, ये बंद हो गया 2-3 साल पहले। पहले जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, ये मतलब कॉमन प्रैक्टिस था, रिचुअल्स था, कि बजट का जो पेपर होता था उसको लेदर बैग के अंदर लेके जाते थे, सूटकेस के अंदर जो लेदर का बना हो, ठीक है। तो बजट वर्ड जो आया है उसका बेस वर्ड क्या है, ब्यूगेट, और एक ऐसा वर्ड है फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, चमड़ा का बैग होता है। इसको लिखिए पहला पॉइंट में,
बजट का मूल शब्द, बजट का मूल शब्द ब्यूगेट है, ये लिख लीजिए। यह एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ, यह एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ चमड़े का बैग होता है, या चमड़े, हाँ, जिसका अर्थ चमड़े का बैग होता है। इंग्लिश में लिखिए, बजट वर्ड इज डिराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड ब्यूगेट। बजट वर्ड इज डिराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड ब्यूगेट विच मीन्स अ लेदर बैग। अब दूसरा बात यह है कि ये हम लोग जो बजट जो बोलते हैं, ये संवैधानिक शब्द नहीं है, मतलब ये आम भाषा में हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसका अगर डॉक्यूमेंटेशन में जिक्र किया जाए तो कहीं पे बजट नहीं लिखा होता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये बोलता है कि हम लोग आम भाषा में जो बजट बोल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को बजट नहीं बोलता है, उसको बोलता है एनुअल। क्या बोलेंगे? एनुअल क्या? तो पॉलिटी आप लोग का पढ़ाई हुआ है ना, तो उसमें नहीं बताया गया बजट के बारे वित्तीय। हाँ, क्या वित्तीय? फिर पूरा नाम बोलिए। तो बजट के अंदर इसको क्या बोला जाता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय पत्र, ठीक है। और ये संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है ऐसा? 112 में, ठीक है। तो आर्टिकल 112 ये कहता है, आर्टिकल 112 संविधान का ये कहता है सरकार को कि सरकार को हर साल एक बजट पेश करना है, मतलब बजट नहीं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश करना है, वार्षिक वित्तीय पत्र पेश करना है। उस पत्र में क्या होगा? तो जो बजट का हम सारा डिस्कस किए वही सब होना चाहिए, ठीक है। तो संवैधानिक रूप में इसका नाम क्या है? वार्षिक वित्तीय पत्र। लिखिए, बजट को संविधान में, या बजट को भारतीय संविधान में, बजट को भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय पत्र कहा जाता है। ब्रैकेट में लिख लीजिए अनुच्छेद 112 के तहत, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन बजट इज कॉल्ड एज पर कॉन्स्टिट्यूशन बजट इज कॉल्ड एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर आर्टिकल 112। अब बजट बनाता कौन है, या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता कौन है? कौन बनाएगा? वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय। अब वित्त मंत्रालय जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, या वित्त मंत्रालय जो है, इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, टोटल 5 डिपार्टमेंट है ऐसा करके, ठीक है। उसमें से एक डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। डिपार्टमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? विभाग। तो किसी भी मंत्रालय के अंदर अलग अलग विभाग होता है, और विभाग का जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं? सेक्रेटरी, ठीक है। तो जितने भी सचिव होंगे वो हर एक किसने, मतलब यहाँ पे अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर 5 डिपार्टमेंट है तो कितने सचिव होंगे? 5 सचिव होंगे, ठीक है। ये 5 सचिव कौन होगा? तो जो आईएएस ऑफिसर होता है वही प्रमोट होके एट लास्ट सेक्रेटरी पोस्ट, मतलब ये हायर पोस्ट होता है, वहां तक पहुंचते हैं ये लोग। तो बोलने का ये मतलब है कि यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट होगा सबका हेड एक ना एक सचिव होता है, ठीक है। और उस सबका अगर बात करें, जैसे मान लिया से पूछा जाएगी वित्त सचिव कौन है, फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, निर्मला सीतारमण वो तो मंत्री है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि अलग अलग 5 सचिव है, ठीक है,
ये पांचों अपना अपना डिपार्टमेंट का सचिव, समझ लीजिए ये आर्थिक विभाग का एक सचिव हो गया, ठीक है, खर्च वाला का एक विभाग हो का अलग सचिव हो गया, लेकिन अगर कोई पूछे कि पूरे मंत्रालय का कौन सचिव है तो वो कैसे बनेगा, तो कोई अलग आदमी नहीं होता है, इसी में से जो पांचों में से जो सीनियर मोस्ट होगा उसी को क्या बोला जाएगा, या उसी को दे दिया जाता है पद कि वो पूरा मंत्रालय का सचिव है, ठीक है, मतलब सचिव टोटल पांच होंगे क्योंकि पांच ही डिपार्टमेंट है, उसमें जो सबसे सीनियर मोस्ट होगा वही बनेगा वित्त सचिव, ठीक है, मतलब वो अपने डिपार्टमेंट का भी हेड होगा और ओवरऑल पूरे मिनिस्ट्री का भी वही रिपोर्टिंग लेगा, ठीक है, कोई दिक्कत? 1 रुपए के नोट पे किसका साइन होता है? वित्त सचिव का साइन होता है, तो वित्त सचिव जो होगा वो किसी न किसी एक डिपार्टमेंट का वो हेड होंगे, ठीक है, इसके बारे में लिखिए। और यही डिपार्टमेंट का काम होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर का ही काम होता है बजट का प्रिपरेशन करना, ठीक है, मतलब वित्त मंत्रालय के अंदर इस डिपार्टमेंट का काम है ये काम करना, ठीक, लिखिए। बजट आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा बजट वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा बनाया जाता है। बजट इज प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ब्रैकेट में लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बजट कैसे लिखे हैं? बजट वित्त मंत्रालय के आर्थिक आर्थिक कार्य विभाग लिखे हैं, आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, और बजट को पेश कौन करता है? वित्त मंत्री कहाँ पे करेगा? लोकसभा। अगर मान लेते मंत्री जी है वो राज्यसभा का है तो क्या क्या बोल रहे हैं? राज्यसभा में कब होगा? वो तो पास करेंगे, प्रेजेंट करेंगे कि नहीं करेंगे राज्यसभा में, ठीक है, तो बजट मंत्री कहीं का भी हो, ठीक है, राज्यसभा या लोकसभा, उसको बजट पेश कहाँ करना है? लोकसभा में, ठीक है, और कौन करेगा? वित्त मंत्री, ये तो सब लोग जानते हैं, लिखना है तो लिखे, नहीं तो छोड़ दीजिए, लिखना तो लिख सकते हैं, बजट वित्त मंत्री के मतलब बजट वित्त मंत्री के द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है। अब लिखिए बजट का टाइमलाइन, या लिख सकते हैं बजट का इतिहास, जो आपको मन करे वो सब लिखिए, बजट का इतिहास या बजट का टाइमलाइन, मतलब बजट के अंदर कैसे कब से शुरू हुआ, क्या क्या चेंजेज हुआ, वो सब डेट बाय डेट हम लोग ईयर बाय ईयर लिखेंगे। तो स्टार्ट होता है बजट का इतिहास भारत में तब से 1860 से, ठीक है, तो 1860 में क्या हुआ? पहली बार भारत में बजट पेश किया गया, लिखिए 1860 में, लिखिए पहली बार जेम्स विल्सन के द्वारा, पहली बार जेम्स विल्सन के द्वारा भारत में बजट पेश किया गया, भारत में
आम बजट लिखेगा, भारत में आम बजट पेश किया गया। पहली बार जेम्स विल्सन के द्वारा भारत में आम बजट पेश किया गया। आम बजट का मतलब क्या? जनरल बजट, ठीक है। आप लिख लिए जी इंग्लिश में। आम बजट क्यों बोलते हैं हम लोग इसको? बजट का भी कुछ टाइप्स हो सकता है, ठीक है। तो आम बजट का मतलब क्या है कि जनरली उसमें सारा चीज है, जिसमें हर कोई, उसके अलावा कोई अलग से बजट नहीं। जैसे रेलवे बजट होता था पहले, कि रेलवे बजट अलग हो गया और जो नॉर्मल बजट हो गया उसको बोलते थे आम बजट। तो आम बजट का मतलब क्या होता है, या जनरल बजट का मतलब क्या होता है? सब कुछ जहाँ पे एक ही जगह सम्मिलित हो उसको बोलेंगे आम बजट या जनरल बजट, ठीक है। अगर कुछ स्पेशल बजट है तो उसको अलग से नाम दिया जाए, जैसे रेलवे का अलग बजट है तो रेलवे बजट, कृषि के लिए अलग बजट बनाया जाता है तो कृषि बजट, ठीक है। तो आम बजट जहाँ पे भी रहे, जनरल बजट जहाँ पे रहे, मतलब ओवरऑल सबको सम्मिलित करके रखा हुआ है, ठीक है। तो पहला बार जो बजट पेश हुआ कैसा बजट है? आम बजट है, ठीक है। उसके बाद लिखिए ईयर 1921। एक्वर्थ कमिटी या एक्वर्थ समिति, ठीक है। ये जो कमिटी है या समिति है, कमिटी का मतलब क्या होता है? जहां पे ग्रुप ऑफ पीपल हो, तो कमिटी का मतलब कुछ लोगों का ये समूह है, और उसमें जो एक्वर्थ है वो उस कमिटी के हेड थे, या इसलिए उसके नाम पे पड़ा एक्वर्थ कमिटी, ठीक है। तो एक्वर्थ क्या हो गया? किसी इंसान का नाम हो गया, ठीक है, वो उस कमिटी के हेड होंगे इसलिए ऐसा नाम पड़ा। ये कमिटी किस लिए बनाया गया 1921 में? ताकि बजट के अंदर रिफॉर्म किया जा सके। उसमें लिखे बजट सुधार के लिए। ये कमिटी किस लिए बनाया गया? बजट सुधार के लिए। 1921 में लिखे एक्वर्थ कमिटी फॉर बजट रिफॉर्म्स। मतलब गवर्नमेंट ने इनको ये बोला एक्वर्थ कमिटी को कि आपको करना क्या है, कि बजट के अंदर क्या क्या हम लोग सुधार करें ताकि और इसको इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। तो उस समय ये देखा गया कि उस समय का जो भी बजट एलोकेशन होता था उसका 50% पैसा रेलवे में जाता था, ठीक है, कि रेलवे के डेवलपमेंट के ऊपर स्पेशल फोकस था। तो जितना ही बजट का पैसा होता था, भारत में जो खर्च होता था गवर्नमेंट के द्वारा, उसका 50% या उससे अधिक पैसा किधर जा रहा है? रेलवे में। तो इस कमिटी ने ये बोला कि इतना पैसा अगर अलग से जा रहा है तो उसके लिए अलग ही बजट, अलग बजट पेश किया जाए और आम बजट अलग पेश किया जाए, मतलब रेलवे के लिए अलग बजट और उसके अलावा जितना भी बच गया सबके लिए जनरल बजट। ये उनका सुझाव दिया गया, मतलब यहाँ पे कमिटी बना है 1920। तो कमिटी बना है मतलब ये नहीं कि उस दिन से अलग हो गया, ठीक है। अगला डेट डालिए 1924। में क्या किया गया? इन्होंने जो सुझाव दिया था, इस कमिटी का सुझाव क्या था कि रेलवे, ये कमिटी बनाया गया 1921 में, ठीक है, और इन्होंने सुझाव क्या दिया इस कमिटी ने कि रेलवे बजट को अलग कर दिया जाए। तो मतलब भारत में दो बजट पेश होगा, एक रेलवे बजट और दूसरा आम बजट, ठीक है। तो इस वर्ष से ये लागू किया गया। लिखिए रेलवे बजट को आम बजट से, रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया। ऐसे भी लिख सकते हैं, रेल आम बजट के साथ रेलवे बजट भी पेश किया गया। और किसके सलाह पे ये पेश हुआ है? एक्वर्थ कमिटी के सलाह पर। अगर लिखना है तो दोबारा वहां लिख सकते हैं ब्रैकेट में, एक्वर्थ कमिटी के, एक्वर्थ समिति के सलाह पर। उसमें लिख, इंग्लिश में लिख लिया, रेलवे बजट गॉट सेपरेटेड फ्रॉम जनरल बजट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ एक्वर्थ कमिटी।
अगला डेट लिखिए 1947। तो 1947 में क्या अलग हो जाएगा? पहला, का पहला बजट पेश किया गया किसके द्वारा? बोलिए। यहाँ पे रेलवे बजट अलग हो गया, अब हो गया 1947। तो भारत का पहला, इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट पेश किया गया आर के आर के सनोकम चेट्टी के द्वारा पेश किया गया पहला बजट, ठीक है। और डेट लिख लीजिएगा 26 नवंबर। उसके बाद अगला डेट लिखिएगा 1973। इस बजट को कहा गया ब्लैक बजट, ठीक है, या हिंदी में लिख सकते हैं काला बजट। ऐसा क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि इस पर सरकार ने बहुत ही ज्यादा उधारी लिया मार्केट से। अब जैसे आपको थोड़ा देर पहले बजट बता रहे थे, तो बजट के अंदर हम लोग क्या पहला डिस्कस किए थे, इनकम। इनकम के अंदर जैसे मान लेते हैं, इनकम के अंदर आप क्या लिख सकते हैं, जैसे आप मान लेते हैं अपना बजट बना रहे हैं, तो आपको मान लीजिए घर से 5,000 रुपया मिल रहा है गार्जियन से, तो आप 5,000 इनकम में लिखें। और इनकेस इसके अलावा आप क्या किए, आपने उधार लिया किसी अपने फ्रेंड से या कहीं से भी, तो मान लेते हैं आप 2,000 रुपया उधार लेते हैं, तो यहाँ पे 2,000 ये भी लिखेंगे कि उधार का पैसा है 2,000 रुपया, टोटल मेरा इनकम हो गया 7,000 रुपया। मतलब बेसिकली बोलने का ये अर्थ है कि गवर्नमेंट जो फाइनेंस करती है वो सारा पैसा कमाया उन्हें होता है, उधार भी लिया होता है, जैसे वर्ल्ड बैंक से उधार लिया, आम जनता से उधार लिया, बैंक से उधार लिया, आरबीआई से उधार लिया, तो बहुत सारा उधार होता है पैसा जो गवर्नमेंट यूज करता है, तो उधार का पैसा भी इसके अंतर्गत आता है बजट के अंदर, ठीक है। तो इस वर्ष 1973 में गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा उधार लिया मार्केट से, इसलिए इसको क्या बोला गया, ब्लैक बजट। क्योंकि उधार अल्टीमेटली आपको पैसा तो मिल जाता है, लेकिन फ्यूचर में उसको रीपे भी करना होता है, तो उधार तो आपको जब मिल जाएगा तो उसमें तो सही दिखेगा, लेकिन उसको वापस भी करना होता है, इसलिए फ्यूचर के लिए खराब होता है, ठीक है। प्रेजेंट के लिए अच्छा है, फ्यूचर के लिए खराब है। तो लिखिए ब्लैक बजट क्यों कहा गया, देखिए इस वर्ष में सरकार ने बहुत अधिक उधार लिया, इस वर्ष में सरकार ने बहुत अधिक उधार लिया, गवर्नमेंट हैज टेकन हेवी डेट फ्रॉम मार्केट या हेवी लोन। अगला वर्ष लिखा 1997, 1997। इसको बोला गया ड्रीम बजट। ड्रीम बजट क्यों कहा गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस वर्ष बहुत ही ज्यादा टैक्सेस में कटौती किया, मतलब टैक्स बहुत ज्यादा कम किया गया, इसलिए इसको बोला गया ड्रीम बजट। इसमें लिखिए इस वर्ष सरकार ने या इस बजट में सरकार ने कर में
भारी कटौती की, टैक्स में भारी कटौती की, इसलिए इसका नाम पड़ गया ड्रीम बजट, ड्यू टू हैवी रिडक्शन इन टैक्स रेट। फिर अगला वर्ष लिखिए 2001, ठीक बजट कब से पेश किया जा रहा है, किस वर्ष से? 1860 से। तो 1860 से लेके ईस्वी 2000 तक जितना भी बजट पेश किया गया, ठीक है, सब एक फिक्स टाइम पे पेश किया गया। और वो फिक्स टाइम कितना था? 5 बजे शाम में। ऐसा क्यों? शाम में क्यों बजट पेश करते हैं, कर रहे थे हम लोग पहले? क्योंकि वो लोग चाहते थे, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे पहले स्टार्टिंग में कि जब इंग्लैंड में जिस टाइम में बजट पेश हो, मतलब इंडिया में भी ऑलमोस्ट सेम टाइम में बजट पेश हो, मतलब वहां का भी टाइमिंग और यहाँ का टाइमिंग लगभग एक हो, ठीक है, इसलिए यहाँ पे शाम में बजट पेश किया जाता है एक साथ, मतलब जब इंग्लैंड में पेश हो रहा है तो इंडिया में भी पेश हो रहा है, ठीक है। अब ये तो बात हुआ कि ये उस समय ब्रिटिश के अकॉर्डिंग किया गया था, लेकिन इसको हम लोग बहुत दिन से इंडिपेंडेंस के बाद भी उसी रिचुअल को फॉलो किए जा रहे थे। तो इस रिचुअल को बदला गया 2001 में और इसका टाइमिंग अपडेट कर दिया गया 5 से 5 है। तो अब बजट 2001 से कितने बजे पेश होता है? 11 बजे सुबह में, ठीक है। तो लिखिए इस वर्ष से बजट को शाम 5 बजे की जगह सुबह 11 बजे पेश किया जाने लगा। अब लिखिए 2017, लिखिए इस वर्ष बजट के अंतर्गत 3 परिवर्तन किए गए। इस वर्ष से बजट के अंतर्गत 3 परिवर्तन किए गए। 3 चेंजेज वेयर मेड फ्रॉम दिस ईयर। आज के डेट में बजट कितने तारीख को पेश किया जाता है? 1 अप्रैल। और कोई जवाब? कितना फरवरी? 27 फरवरी, 28 फरवरी। और कोई जवाब? 20 साल का बजट कितने तारीख को आया था? आप लोग तो उसमें प्रिपेयर कर रहे थे ना, तो बहस तो चल रहा था फरवरी में, तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता है कि बजट किस डेट को आया था और आपका ऑन गोइंग तैयारी था उस समय। तो बजट का जब अभी यही नहीं पता है कि क्या अभी पेश हो रहा है, तो पहले कैसे पता हो कि पहले कब पेश होता था? बजट 2017 से टाइमिंग, इसका टाइमिंग तो चेंज हो गया 2001 से, अपडेट भी चेंज किया गया 2017 से। पहले क्या नियम था? कोई भी बजट जो भी पेश हुआ है उसका डेट कोई फिक्स नहीं होता कि 28 को पेश करेंगे या 1 तारीख को पेश करेंगे या 27 को पेश करेंगे। पहले क्या नियम था कि फरवरी मंथ का जो लास्ट
वर्किंग डे होगा उस दिन बजट पेश किया जाता था 2017 के पहले तक, ठीक है। इसके बाद इसको चेंज किया गया, लास्ट वर्किंग डे से कब किया गया, फर्स्ट वर्किंग डे को, कि जो भी पहला वर्किंग डे पड़ेगा फरवरी में वो 1 तारीख को पड़े, 2 तारीख को पड़े या 10 तारीख को पड़े, ठीक है, उसी तारीख को हम लोग बजट पेश करेंगे, ठीक है। तो पहला चेंज, तीन चेंज लिखे, पहला लिखिए बजट को फरवरी माह के अंतिम कार्यकाल, बजट को फरवरी माह के अंतिम कार्यकाल दिन के जगह, अंतिम कार्यकाल दिन के जगह पहले कार्यकाल दिन को पेश किया जाने लगा। इंग्लिश में लिखिए, इंस्टेड ऑफ प्रेजेंटिंग बजट ऑन लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुअरी मंथ, बजट इज प्रेजेंटेड ऑन फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुअरी मंथ। एक बार पढ़ के देख लीजिए खुद से, हिंदी में जो लिखे लैंग्वेज सही है, नहीं से लैंग्वेज सही है तो खुद से सुधार लीजिए। उसके बाद दूसरा चेंज, दूसरा परिवर्तन ये किया गया कि 1924 में रेलवे बजट को क्या किया गया था, अलग किया गया था, इस वर्ष इसका विलय कर दिया गया, ये बोल के कि अब उसका कोई जरूरत नहीं है अलग से, इतना ज्यादा हम लोग एक्सपेंस करते नहीं है रेलवे के अंदर, तो अब अलग से बजट पेश होने का कोई महत्व नहीं है। मतलब यही एक रीजन था, बहुत सारे रीजन था, और भी उसके ऊपर पॉलिटिक्स होता था रेलवे बजट के ऊपर, जो मंत्री जहाँ का है वहां से एक नया रेल अनाउंस करेगा, ठीक है, तो इस टाइप का प्रैक्टिस स्टार्ट हो गया था, इसलिए, और भी बहुत सारे रीजन था जिसलिए इसको बंद किया गया, ठीक है। तो अगला लिखिए, रेलवे बजट को आम बजट के साथ विलय किया गया, रेलवे बजट या फिर रेलवे बजट का आम बजट के साथ विलय किया गया, रेलवे बजट गॉट मर्ज्ड विथ जनरल बजट। पहले जो स्क्रॉल होता था ऊपर नीचे इससे, जैसे मान लेते आप अपना बजट बना रहे हैं, एक्सपेंडिचर लिखना है, तो कुछ एक्सपेंडिचर है जैसे रेंट, फूड, ट्रांसपोर्ट, ये मान लेते हैं आपका तीन अलग अलग खर्च है, ठीक है। अब ये तीन खर्च को अलग अलग बांटा जा सकता है, इसको दो भाग में बांट सकते हैं, एक भाग में बांटा जाता है जिसको बोलते हैं प्लैंड या प्लान बोलिए, और दूसरा नॉन प्लान, प्लान नॉन प्लान। दोनों में अंतर क्या है, प्लान मतलब क्या है, जिसका प्लानिंग करना पड़े, और नॉन प्लान मतलब जिसका प्लानिंग करने का जरूरत नहीं है, तो इसमें किसका प्लानिंग कर सकते हैं और किसका प्लानिंग नहीं कर सकते हैं, ये तीन खर्च में किसमें प्लानिंग करने का जरूरत है या किसमें प्लानिंग करने का जरूरत नहीं है। नहीं, बस इसका जवाब दीजिए, इसमें से किसको प्लान बोलेंगे और किसको नॉन प्लान बोलेंगे। वैसा नहीं है, देखिए प्लान और नॉन प्लान में क्या है कि प्लान मतलब क्या है, जिसके लिए प्लानिंग करने का जरूरत है, और नॉन प्लान जिसके लिए प्लानिंग करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो प्लानिंग करने का जरूरत किसका नहीं है, रेंट का, क्योंकि रेंट ऑलरेडी फिक्स है, हमको पहले से पता है कि रेंट इतना देना ही है, उसमें क्या प्लान करेंगे, कुछ प्लान करने का जरूरत नहीं है।
कुछ है जैसे फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन, हम प्लान कर सकते हैं कि हम ऑटो से आएंगे कि बस से आएंगे कि ट्रक से आएंगे, फूड में भी आप प्लान कर सकते हैं, लेकिन रेंट तो ऑलरेडी फिक्स्ड है, ठीक है। या मान लीजिए आपने किसी से उधार लिया था, उसको आपको रिटर्न करना है, तो वो भी फिक्स है। आपने बोला था कि 1-1 हजार रुपया करके देंगे, तो वो भी फिक्स है। तो जहां पे प्लान करने का जरूरत पड़ता है उसको प्लान्ड एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और जहां प्लान करने का जरूरत नहीं होता उसको बोलते हैं अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है, या नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, ठीक। तो पहले जो बजट पेश होता था उसमें क्या होता था कि जो खर्च होता था उसको दो अलग भाग में दिखाया जाता था, एक प्लान्ड और दूसरा नॉन प्लान्ड। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि इन दोनों खर्च को एक साथ मर्ज कर दिया है, बोला अब अलग से दोनों को अलग अलग से दिखाने का जरूरत नहीं है, ठीक है, अब एक ही होगा, सिर्फ एक्सपेंडिचर होगा, अलग से प्लान्ड और नॉन प्लान्ड नहीं होगा। जैसे गवर्नमेंट का क्या क्या खर्च हो सकता था जो प्लान्ड होता है, जैसे मान लीजिए सैलरी देना है, तो सैलरी देना तो प्लान करने का उसमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट देना, उसके लिए कोई प्लानिंग का जरूरत नहीं है, प्लानिंग का जरूरत कहाँ पे पड़ेगा, कहाँ पे रोड बनाना है, कहाँ पे क्या बनाना है, ये सब चीज के लिए, ठीक है। तो इसके अंतर्गत लिखिए तीसरा पॉइंट, इसको हिंदी में बोलते हैं योजनागत खर्च और इसको बोलते हैं गैर योजनागत खर्च, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख लीजिए इंग्लिश में प्लान्ड और नॉन प्लान्ड लिख लीजिएगा। इसमें लिखिए बजट के योजनागत खर्च एवं बजट के योजनागत खर्च एवं गैर योजनागत खर्च, बजट के योजनागत खर्च एवं गैर योजनागत खर्च का विलय किया गया, मर्जर ऑफ प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसके बाद लिखिए 2019, 2019। तो परंपरा क्या था बजट को, कि बजट को किस चीज में पेश करेंगे, कि बजट का जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो किस चीज में लाएंगे, लेदर बैग में लाएंगे या लेदर का सूटकेस में लाएंगे, ये शुरू से चला आ रहा था। तो इसको ही बदला गया कि भारतीय सभ्यता के अनुसार इसको हम बदलते हैं, कि जैसे भारतीय सभ्यता के अनुसार ये है कि कोई भी शुभ काम लाल रंग में करेंगे, ठीक है, लाल रंग के कपड़ा में उसको रखेंगे, इसलिए इसको चेंज किया गया और बोला गया कि बजट का जो भी पेपर होगा वो रेड बैग के अंदर रख के लाया जाएगा, आपसे वो लेदर बैग का यूज नहीं होगा, ठीक है। तो लिखिए इस वर्ष से बजट को, इस वर्ष से बजट को लाल का बजट पत्र को लिखिए, इस वर्ष से बजट पत्र को लाल कपड़े में रखा गया, बजट वॉज केप्ट इन रेड क्लोथ, और इसे हिंदी से लिखिए और इसे और बजट को बही खाता कहा गया, और बजट को बही खाता कहा गया, एंड बजट इज कॉल्ड एज बही खाता। तो दिक्कत बार देख लीजिए, जो भी बजट का पढ़े हैं उसमें हिस्ट्री में कोई दिक्कत।
अगला लिखे बजट का वर्गीकरण, बजट का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ बजट। जो भी हिंदी में लिखना है सबको लिखिए यही चीज इंग्लिश में, फिर ब्रैकेट में हिंदी में लिख लेंगे। क्या बोल रहे हैं? एक मिनट भैया, ये तो इसमें चला गया। एक मिनट, इधर वाला
इसमें ऐसा लिमिटेशन नहीं, और भी और बड़ा करें, जूम करें। ग्रांट स्लैश डोनेशन। मेंटेनेंस हाँ हाँ सबका हिंदी हम सब लोग लिख लीजिए, बार इंग्लिश में सब लोग, उसके बाद हिंदी में सबका बता रहे हैं क्या क्या लिखना है। यहाँ पे ये है डिस इन्वेस्टमेंट और उधर है ऑक्शन, ऑक्शन नीलामी। हाँ डेट है ये DEBT, इसको डेट पढ़ते हैं ठीक है, डी साइलेंट होता है इसमें। डेट का मतलब क्या हो गया, उधार। ये जो क्लासिफिकेशन बनाया है, ये ऐसा नहीं कि ऐसा ही होता है ठीक है, अपन अपने अनुसार जैसे भी जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, हम ऐसा बनाए हैं, ऐसा कोई फिक्स नियम नहीं है कि ऐसा ही बनेगा क्लासिफिकेशन। कहाँ पे, यहाँ पे नॉट, ये फाइन है, सर्विसेस है, ग्रांट स्लैश डोनेशन है।
देखिए बजट जो हम लोग क्लासिफिकेशन, ऐसा नहीं कि यही बजट का यही क्लासिफिकेशन का, अपने अनुसार है आपको क्या सहूलियत लग रहा है, ठीक है। देखिए जैसे दो टाइप से देखिए यहाँ पे दिख रहा है, इसमें तो अच्छा एक सेकेंड, बैक कैसे होता है, ये फुल स्क्रीन कैसे होगा इससे, अच्छा स्लो भी काम कर रहा है। देखिए हम लोग जो बजट बनाए हैं, बजट का जो क्लासिफिकेशन किए इसके अनुसार किए, ये पूरा फुल बोर्ड होगा ये। छोड़िए इतना में दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए बजट को ऐसा नहीं, जैसे हम लोग क्या किए कि बजट को दो अलग अलग अकाउंट में बांट लिए, एक रेवेन्यू अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, ये अकाउंट को अलग अलग नहीं बांटा, इसने क्या किया कि इसने एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट को अलग अलग बांट लिया, मतलब यहाँ पे रिसिप्ट जो रखा गया एक साथ रखा गया और खर्च को एक साथ रखा गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जो कर रहे हैं वही सही है, ये भी सही है वो भी सही है, जो आपको सुविधा लगे वैसे आप पढ़ सकते हैं, आपको बस समझ में आना चाहिए दोनों है क्या, ठीक है। तो हम इस टाइप से हम पढ़ा रहे हैं, किसी बुक में हो सकता है इस टाइप से मिले, किसी बुक में हो सकता है इस टाइप से मिले। ये जो है हम लोग ये जो यूज किए एनसीईआरटी का यूज किए, एनसीईआरटी में इसी टाइप से दिया हुआ है, किसी बुक में हो सकता है इस टाइप से भी दिया हुआ है, ठीक है। बेसिक कर किया गया है इसमें क्या, ये जो रिसिप्ट यहाँ और यहाँ का एक जगह रखा गया है, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर को एक जगह रखा गया है, हम लोग क्या किए अकाउंट अलग अलग कर दिए। अब सबसे पहले इसका हिंदी वर्जन सब कर लीजिए, सब वर्ड का क्या क्या है, तो इसको हिंदी में रेवेन्यू को क्या बोलेंगे, राजस्व खाता, या हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हैं रिसिप्ट हैंड होता है प्राप्ति, तो ये हो गया राजस्व प्राप्ति, ये हो गया राजस्व खर्च, ये हो गया पूंजी प्राप्ति पूंजी खर्च, जहां पे भी रेवेन्यू वर्ड है वहां पे क्या हो जाएगा राजस्व। और रिसिप्ट का हिंदी होता है प्राप्ति, तो जहां पे रिसिप्ट है ये दोनों जगह लिखिए प्राप्ति। उसके बाद रेवेन्यू रिसिप्ट में आते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर है टैक्स, तो ये हो गया कर, ये हो गया गैर कर, ठीक है। टैक्स हिंदी हो गया कर। इसके बाद टैक्स के अंदर दो टैक्स है, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट, तो डायरेक्ट को डायरेक्ट टैक्स को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष कर, और इनडायरेक्ट टैक्स को बोलेंगे अप्रत्यक्ष कर। इसमें बस क्या करेंगे, सर्विसेज को लिख लीजिए सेवा, और ग्रांट या डोनेशन को लीजिए दान, सर्विसेज को लिखिए सेवा और इसको लिख लीजिए दान, आ जाते हैं हम लोग रेवेन्यू
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। तो ये हो गया इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए ब्याज भुगतान, इंटरेस्ट पेमेंट को लिखे ब्याज भुगतान, और बाकी कोई ऐसा वर्ड नहीं। फिर आ जाए कैपिटल रिसिप्ट में, कैपिटल रिसिप्ट में लिखिए डेट को लिखिए उधार और नॉन डेट को लिखिए गैर उधार। फिर नॉन डेट के अंदर आ जाएंगे, उसमें डिस इन्वेस्टमेंट को लिखिए वी निवेश। इन्वेस्टमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? निवेश। और डिस को आगे लग गया तो ये उल्टा हो गया, तो उसको हिंदी में लिखेंगे वी निवेश। ठीक है, तो उसके आगे लिए ऑक्शन, ऑक्शन का हिंदी हो जाएगा नीलामी। फिर लिखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में लिखिए ये कैपिटल फॉर्मेशन जो है उसको लिखिए पूंजी निर्माण। और लास्ट में इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का हिंदी हो जाएगा निवेश, ये वाला, ये लोन हो गया। और कोई वर्ड में हिंदी में प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, अब हम लोग इसको समझते हैं। देखिए तो बजट के अंदर ये बोला गया है कि आपको ये बताया गया कि बजट बेसिकली दो टाइप का अकाउंट में अलग अलग बांटा गया। एक अकाउंट हो गया रेवेन्यू और दूसरा हो गया कैपिटल। कैपिटल अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट में दोनों में बेसिक अंतर क्या है? कैपिटल का मतलब क्या होता है? पूंजी। तो देखिए आप जैसे अभी बजट बना रहे थे हम लोग अपना, तो बजट के अंदर हम अपना एक्सपेंडिचर लिख रहे थे। अब बात करते हैं आपके घर का एक्सपेंडिचर का, मान लीजिए आपका घर का क्या क्या खर्च हो सकता है एक साल का। तो आपके घर में ये प्लान किया गया कि इतना का हम गोल्ड खरीदेंगे या लैंड खरीदेंगे, ये भी एक खर्च है। ठीक है, दूसरा है कि हम फूड में इतना खर्च करेंगे, फिर बाकी जो भी एक खर्च है। तो खर्च को भी दो भागों में देखा जा सकता है कि एक ऐसा खर्च है जिसमें मान लीजिए फूड हो गया, ट्रेवल हो गया, रेंट हो गया, ये सब ऐसा खर्च है जिससे आपको भविष्य में कोई फायदा नहीं होने वाला है लेकिन वर्तमान के लिए जरूरी है। ठीक है, जैसे आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो ये वर्तमान में जीवन के लिए जरूरी खर्च है। लेकिन ये जो खर्च है लैंड और गोल्ड वाला, ये जो खर्च किया जा रहा है किस लिए किया जा रहा है? भविष्य को देखते हुए, मतलब इसमें कुछ ना कुछ पूंजी या कैपिटल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऐसा जो भी कैपिटल अकाउंट के अंदर जो खर्च होगा वो ऐसा खर्च होगा जिससे आपको भविष्य में फायदा होगा। ठीक है, और इसमें प्रेजेंट नीड को, खर्च को देखते हुए इसमें किया जाता है, मतलब ये प्रेजेंट के खर्चों के लिए रेवेन्यू अकाउंट में होता है और भविष्य का खर्चा जो भी है खर्च वहां किया जाता है जहाँ भविष्य में फायदा वो चला जाएगा कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसके अंदर आते हैं कि जो रेवेन्यू अकाउंट के अंदर दो हो गया, एक तो प्राप्ति मतलब पैसा किधर से आ रहा है इस अकाउंट में और खर्च किधर हो रहा है, और यहाँ में बोला गया पैसा किधर से आ रहा है और खर्च किधर से हो रहा है। एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले बोला गया रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या? इस अकाउंट का प्राप्ति, पैसा का प्राप्ति किधर से हो रहा है। तो बताया गया दो टाइप से हो रहा है, एक टैक्स मतलब जो भी टैक्सेस है उसके अलावा उससे, और दूसरा नॉन टैक्स। तो टैक्स में आ जाते हैं। टैक्स में सबसे बोला गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर क्या होता है, हम लोग आगे चल के इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। अभी के लिए ये समझिए एग्जाम्पल के अनुसार कि डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या है, इनकम टैक्स या आयकर। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या है? जीएसटी। दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है? प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में शॉर्ट में बता देते हैं। अंतर ये होता है कि जिसको टैक्स पे करना है, ठीक है, और जो टैक्स
मतलब यहाँ पे बेसिकली देखिए इनकम टैक्स में क्या होता है कि यहाँ पे जिस पे भार पड़ा है टैक्स का, मतलब इनकम टैक्स किसको पे करना है, किसी इंसान को पे करना है, ठीक है, और किसका पैसा वो पे कर, अपना खुद का पैसा पे कर रहा है, ठीक है, मतलब खुद उसके ऊपर भार भी है टैक्स पे करने का और खुद कर भी रहा है, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष में क्या होगा कि ये टैक्स पे करना किसको है, जैसे मान लेते हैं टैक्स किसको पे करना है, दुकानदार को पे करना है, लेकिन पे कौन कर रहा है, पैसा उसका कौन दे रहा है, कस्टमर दे रहा है, आपसे जीएसटी का पैसा लेता है दुकानदार, तो आप जाके जो जीएसटी का पैसा देते हैं वो पैसा तो जाके जीएसटी डिपार्टमेंट ने जमा नहीं करा, आप किसको दे रहे हैं, दुकानदार को। आयकर के अंदर क्या अंतर है, क्या क्या देखिए, जीएसटी और बेसिक दोनों में अंतर क्या है कि जीएसटी पे किसको करना है, शॉपकीपर को, ठीक है, यहाँ पे किसको पे करना है, जो पर्सन अर्न कर रहा है उसको, ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या आ रहा है, पे करते समय पे कर कौन रहा है, तो यहाँ पे एंड कस्टमर पे कर रहा है, मतलब जीएसटी जो दुकानदार है वो पे नहीं करके कौन कर रहा है, कस्टमर कर रहा है, कस्टमर से कलेक्ट कर रहा है दुकानदार, दुकानदार पे कर रहा है गवर्नमेंट को, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप ही को पे करना है और आप ही अपने इनकम से खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे करते हैं, ठीक है, या सिंपल भाषा में, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं समझना, सिंपल भाषा में ये समझिए कि जहां पे गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स पे करते हैं अपने अकाउंट से, गवर्नमेंट के अकाउंट में वो आ जाएगा डायरेक्ट टैक्स में, और जो इनडायरेक्टली घूम फिर के पहुंच रहा है गवर्नमेंट के अकाउंट में उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे जीएसटी में क्या होता है, आपने जीएसटी दिया किसको, शॉपकीपर को, शॉपकीपर किसको जीएसटी देगा, गवर्नमेंट को, तो जो डायरेक्टली जाना चाहिए था वो शॉपकीपर के माध्यम से गया, और अगर इनकम टैक्स पे करेंगे तो क्या होगा, सीधे आपके अकाउंट से किधर जाएगा, गवर्नमेंट के अकाउंट में, तो यही बेसिक अंतर है दोनों में। तो इनकम टैक्स हो गया किसका एग्जाम्पल, डायरेक्ट टैक्स का, और इनडायरेक्ट का क्या हो गया, जीएसटी। तो आम भाषा में सिंपल बस ये समझ लीजिए कि जहां पे अपने अकाउंट से डायरेक्ट गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा चला जाए उसको बोलेंगे डायरेक्ट, और जहां पे अपने अकाउंट से डायरेक्टली गवर्नमेंट अकाउंट में जाए किसी माध्यम से जाए उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट, ठीक है, और इसका क्लियर डिफिनेशन कुछ और होता है वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो गवर्नमेंट को इनकम टैक्स से भी फायदा, जैसे डायरेक्ट टैक्स से भी इनकम हो रहा है और इनडायरेक्ट टैक्स से भी इनकम हो रहा है। डायरेक्ट टैक्स का और भी एग्जाम्पल, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स है, इसका भी और एग्जाम्पल है, जैसे एक्साइज ड्यूटी था, है पहले वैट था, ये सब चीज, ठीक है। अब इन दोनों टैक्स के सोर्स से मिल गया पैसा आपको रेवेन्यू अकाउंट के अंदर, उसके बाद अब नॉन टैक्स, बिना टैक्स के भी गवर्नमेंट को फायदा होता है या इनकम होता है, वो किधर से होता है, सबसे पहला इसमें फाइन है। आप कोई भी गलत काम करते हैं, जैसे मान लीजिए हेलमेट नहीं पहने, ठीक है, या मान लीजिए कोर्ट के द्वारा आपके ऊपर कुछ पेनल्टी लगाया गया कि आपने कोई क्राइम किया उसके लिए पेनल्टी लगाया गया, ठीक है, या कोई भी गैर कानूनी काम करते हैं जिसके लिए सरकार के द्वारा आपसे पैसा चार्ज किया जाता है, उसको क्या बोलेंगे, इनकम है सरकार के लिए, तो उसको किस में कैलकुलेट करेंगे, फाइन में, मतलब बिना टैक्स का भी गवर्नमेंट आपसे पैसा ले रहा है, ठीक है। दूसरा है सर्विसेस, कोई भी आप गवर्नमेंट का सर्विस यूज करते हैं, जैसे रेलवे, रेलवे का यूज कर रहे हैं तो वो सर्विस का इनकम किधर गया, गवर्नमेंट को गया। यूपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं, बीपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं, तो उसका जो चार्ज हो गया वो पैसा गया गवर्नमेंट को, ठीक है। पोस्टल डिपार्टमेंट का यूज कर रहे हैं, उसका पैसा गया गवर्नमेंट को, तो जितना भी सरकारी सेवा का यूज करते हैं जिसके बदले में आप पैसा देते हैं वो सारा चला गया गवर्नमेंट को नॉन टैक्स के रूप में। जैसे मान लीजिए आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट बनवाया, या कोई भी सर्टिफिकेट बनाया, तो उसका एक फी लेता है गवर्नमेंट, तो वो पैसा किधर जाता है, गवर्नमेंट को जाता है। फिर ग्रांट, ग्रांट या दान का पैसा, तो दान का पैसा मतलब क्या है कि गवर्नमेंट को कोई डोनेशन में देते, जैसे आपने मान लीजिए प्रधानमंत्री का पोस्ट जैसे आता है, जैसे फ्लड के समय आता है, ठीक है, कि फ्लड हो गया या अर्थक्वेक हो गया, उस समय हम लोग प्रधानमंत्री राहत कोष में दान करते हैं, या कोई भी मान लीजिए वर्ल्ड बैंक डोनेट कर दिया, कोई कंट्री आपको फ्री में पैसा डोनेट कर दिया, जैसे मान लीजिए जापान का कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आए विजिट पे, वो आपको डोनेट कर देंगे, गवर्नमेंट इंडिया को इतना पैसा हम डोनेट करते हैं, तो पैसा फ्री में मिल गया। यूनिसेफ का पैसा फ्री में कुछ आ गया पैसा, ठीक है, WHO से पैसा आ गया, तो जितना भी पैसा आपको डोनेशन में मिल जा रहा है, या कौन दे सकता है, या तो कोई संस्था दे सकता है, कोई इंसान दे सकता है, ठीक है, कोई गवर्नमेंट दे सकता है, या कोई एजेंसी दे, कोई भी दे दे पैसा फ्री में आपको, ठीक है, जिसके बदले में आपको रिटर्न नहीं करना है वापस, अगर रिटर्न करना है तो मतलब लोन है, और रिटर्न नहीं करना है तो मतलब दान है, तो जितना भी दान का पैसा आया वो सारा इधर, कोई दिक्कत यहाँ तक।
तो हम लोग का रेवेन्यू शिफ्ट हो गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? किसी में कोई दिक्कत? अब हम लोग आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। अब यहाँ पे सबसे पहला बोला गया ब्याज भुगतान। ब्याज भुगतान का मतलब क्या है कि आपको अगर मान लेते हैं गवर्नमेंट आज के डेट में लोन ले वर्ल्ड बैंक से, ये बोल के कि मान लीजिए 20 साल का लोन है, धीरे धीरे इसको वापस करेंगे, तो इसका मतलब हर साल इसको वापस करना ईएमआई के रूप में, तो सारा जो ब्याज का पैसा बनेगा वो भी एक तरह का खर्च हो गया। ठीक है, तो जितना भी सरकार पैसा लेता है उधार के रूप में, सबका ब्याज और प्रिंसिपल सारा वापस करना होता है, तो इसलिए इसको बोला गया इंटरेस्ट पेमेंट के अंदर रखा गया कि जितना भी खर्च हो रहा है इंटरेस्ट पेमेंट, जो भी आपने उधार लिया था उसका इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, वो सारा इधर हम दिखाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? अब अगर आप खर्च देखेंगे, इंटरेस्ट पेमेंट का खर्च कितना होता है, तो सबसे बड़ा खर्च यही होता है इंटरेस्ट पेमेंट। आप कैसे देख सकते हैं? ये तो ओपन ही हो रहा है, बस यहाँ पे देखिए ये चार्ट दिया हुआ है कि कितना पैसा कहाँ जाता है गवर्नमेंट का। ठीक है, इसमें सबसे अधिक बड़ा अमाउंट है यहाँ पे देखिए 20 लिखा हुआ है, दिख रहा है? तो ये जो 20 है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट पेमेंट। तो नहीं दिख रहा है तो मोबाइल में खोल के देखिए, आप सुनिए, आप बस दिख गया ना कि इंटरेस्ट पेमेंट है। नहीं दिख रहा है तो अपना मोबाइल में खुद से देख लीजिए, मतलब बेसिकली ये है। अब दिख रहा है? तो सबसे अधिक खर्च किधर जा रहा है गवर्नमेंट का? फिर पेंशन है, सैलरी है, तो बहुत सारा चीज है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि ये सबसे बड़ा खर्च है गवर्नमेंट का, मतलब जितना सरकार पैसा खर्च करती है उसका लगभग 20% पैसा सिर्फ ब्याज भरने में चला जाता है। ठीक है, मतलब सरकार क्या कर रहा है, 80% पैसा खर्च कर रहा है और 20% ब्याज भर रहा है। ठीक है, तो भारत बहुत बड़ा उधारी में है, ये बात जान लीजिए। उसके बाद सैलरी पेंशन, ठीक है, जितने भी सरकारी कर्मचारी और उनका पेंशन, वो खर्चा हो गया। फिर मेंटेनेंस, इसको हम डिटेल में बता रहे हैं ये क्या है। जैसे मान लेते हैं, कोई रोड बना, ठीक है, तो रोड बना तो वो क्या हुआ, वो कैसा खर्च में लिखेंगे, भविष्य के लिए या प्रेजेंट के लिए? जैसे मान लीजिए बजट पास हुआ कि इतना करोड़ रुपया लग रहा है एक रोड बनाने में या एयरपोर्ट बनाने में, तो किसको डालेंगे हम लोग, कैपिटल में डालेंगे या इसको डालेंगे इधर राजस्व में? पूंजी वाले में ही डालेंगे क्योंकि इससे हमको भविष्य में फायदा होगा। लेकिन इन केस क्या हुआ कि अगले साल उसमें कुछ रिपेयरिंग का काम आ गया, मतलब उसका कुछ गड्ढा उड्ढा हो गया रोड में, उसको रिपेयर करना है, तो जो रिपेयरिंग का जो कॉस्ट आएगा वो किस में डालेंगे, वो डाल देते हैं रेवेन्यू में। मतलब जो भी कोई भी अगर कैपिटल फॉर्मेशन आपने किया, उसका अगर कोई भी मेंटेनेंस का काम करना है, तो वो किधर आएगा, एक्सपेंडिचर रेवेन्यू के अंदर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर वही अगर कोई नया प्रोजेक्ट है तो वो किधर जाएगा, कैपिटल में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ कैपिटल फॉर्मेशन, जैसे मान लीजिए कोई भी नया रोड बना, एयरपोर्ट बना, ब्रिज बना, तो उसके लिए वो दिखाएंगे कैपिटल फॉर्मेशन में, लेकिन उसी का अगले साल से अगर मेंटेनेंस हो रहा है तो वो किधर आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ठीक है, कोई तो दिक्कत? तो ये हो गया हमारा खत्म रेवेन्यू अकाउंट। इसमें किसी को दिक्कत, रेवेन्यू अकाउंट के अंदर किसी को दिक्कत कोई? एक बार देख लीजिए, किसी में अगर आपको डाउट लग रहा है तो बोलिए, शर्माने का बात नहीं है, किसी को आपको किसी में डाउट हो रहा है तो बता सकते हो। ये पूरा रेवेन्यू अकाउंट देख लीजिए, उसमें किसी में आपको डाउट हो रहा है तो बोलिए। इंटरेस्ट पेमेंट,
इंटरेस्ट पेमेंट का मतलब क्या, ब्याज आपको देना है। जैसे आपने मान लीजिए आपने उधार लिया था पिछले साल, ठीक है, या कहीं से बैंक से लोन लिया, तो बैंक से लोन लिया तो आपको हर साल या हर महीने आपको पैसा देना है। तो आप प्लान करेंगे ना कि मेरा इस साल मान लीजिए आपका 1,000 या 10,000 का ईएमआई है, तो मान लेते हैं इस साल आपको 10,000 का पर मंथ ईएमआई देना है। तो आप अपने खर्चे में लिखेंगे कि आने वाले वर्ष में 1,20,000 रुपया पूरे साल का हमको इंटरेस्ट पेमेंट में देना है। तो सरकार, भारत सरकार ने भी बहुत जगह से लोन लेके रखा है, आम जनता से हो, बैंक से हो, या वर्ल्ड बैंक से हो, या IMF से हो, सबका इंटरेस्ट जाएगा ना, वो हो गया उसमें। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और बताइए किसी का कोई डाउट? हाँ, वो तो उधर है जी, इधर का बात कर रहे हैं हम। रेवेन्यू अकाउंट का बोलिए। किसको? फाइन को टैक्स थोड़ी ना कराना है। कैपिटल अकाउंट के अंदर ये बोला गया कि यहाँ पैसे का जो किया जा सकता है, प्राप्ति किया जा सकता है, वो दो तरीके से कर सकते हैं, एक उधार लेके और दूसरा बिना उधार का। तो उधार का कैसे कैसे कर सकते हैं? इंटरनल, इंटरनल का मतलब देश के अंदर से लोन ले लीजिए, मतलब आम जनता से लोन ले ले, बैंक से लोन ले ले, RBI से लोन ले ले, उसको बोलेंगे इंटरनल लोन, ठीक है, या इंटरनल डेट। एक्सटर्नल डेट किसको बोलेंगे? फॉरेन से, ठीक है, किसी दूसरे कंट्री से, या किसी विदेशी एजेंसी से, अगर यूनिसेफ से लोन लिया, WHO से लोन लिया, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, IMF से लोन लिया, किसी प्रकार से कहीं से पैसा अरेंज किया, या किसी कंट्री से लोन लिया, जापान से लोन लिया, USA से लोन लिया, तो सारा किस में आ जाएगा? एक्सटर्नल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया विद इन इंडिया, ये हो गया इंडिया के बाहर से। नॉन डेट, नॉन डेट का मतलब क्या कि यहाँ पे भी पैसा मिलेगा लेकिन बिना उधार का मिलेगा। बिना उधार का पैसा कैसे मिलेगा? तो सबसे पहला बोला गया डिसइन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? तो दो वर्ड से मिलके बना है, एक डिस और दूसरा इन्वेस्टमेंट। तो जहां पे भी वर्ड लग जाए डिस किसी इंग्लिश वर्ड के सामने, उसका मतलब क्या होता है? उसका उल्टा। जैसे मान लीजिए किसी को बोल रहे लाइक, मतलब पसंद करना, उसको बोलेंगे डिसलाइक, मतलब ना पसंद करना। यहाँ पे होगा निवेश, मतलब वहां पे पैसा लगाना, और डिसइन्वेस्टमेंट मतलब पैसा वहां से निकालना, ठीक है। कैसा मतलब? जैसे मान लीजिए अभी एग्जांपल चल रहा है LIC, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट का ओनरशिप 100% है यहाँ पे, ठीक है, गवर्नमेंट 100% मालिक है, सारा जो पैसा लगा हुआ है भारत सरकार का इसमें पैसा लगा हुआ है। गवर्नमेंट अभी बोल रही है कि हम IPO लाएंगे, मतलब अपना शेयर इसमें से बेचने का बोल रही है। तो गवर्नमेंट का अब ये प्लान है कि मान लेते हैं कि अब ये 20% शेयर जो है ये इसको सेल कर देगा, और अपने पास कितना रिटेन करेगा? 80%, मतलब 80% ओनर कौन हो गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये 20% का ओनर कौन हो जाएगा? पब्लिक, या जो भी इसको खरीदेगा, आम जनता खरीदेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सरकार किया क्या, डिसइन्वेस्टमेंट किया, मतलब अपना इन्वेस्टमेंट को कम किया, मतलब पहले जिसका इन्वेस्टमेंट 100% था वो घट के कितना हो गया? 80%। तो निवेश को क्या किया गया? कम किया गया। तो जब भी सरकार अपने निवेश को कम करे, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, कहीं से निवेश को कम करना। तो दिक्कत, जैसे इस थोड़े दिन पहले IDBI बैंक के बारे में आपको बताया गया, IDBI बैंक के अंदर पहले गवर्नमेंट का शेयर 50% से प्लस था, ठीक है, मतलब सरकारी बैंक था ये। गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको बेचना स्टार्ट किया, और ये हो गया आज के डेट में लेस देन 50%। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने किया क्या कि अपना शेयर को डिसइन्वेस्ट किया। डिसइन्वेस्ट करते करते क्या किया, इसको प्राइवेटाइज कर दिया, मतलब इसके अंदर शेयर को जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट बेचना शुरू करेगा उसको बोलेंगे डिसइन्वेस्टमेंट, और जब भी वो डिसइन्वेस्टमेंट 50% के नीचे चला जाता है उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर LIC का शेयर बेचते बेचते गवर्नमेंट अगर इसको जब तक 51% पे है या 50% तक है तब तक इसको क्या बोलेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा है गवर्नमेंट। लेकिन जैसे वो 50 के नीचे चला जाएगा इसका मतलब गवर्नमेंट अपना ओनरशिप ही खो दिया, तो फिर उसको क्या बोलेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट ना बोल के उसको प्राइवेटाइजेशन बोलेंगे, निजीकरण बोलेंगे, ठीक है। तो ये जब तक 50% तक हो रहा है तब तक भी निवेश उसको बोला जाता है, और 50% से नीचे चला गया अगर शेयर उसको बोलेंगे निजीकरण, ठीक है। कोई दिक्कत? जैसे मान लीजिए आपका कोई दुकान है,
आप अपना दुकान को आप चाह रहे हैं कि एक पार्टनर नया ऐड करने का और 50% उसको ओनरशिप बनाने का, मतलब आपने अपना क्या क्या इन्वेस्टमेंट को कम किया, ठीक है? तो जहां पे भी आप ओनरशिप को कम करेंगे, अपने निवेश को कम करेंगे, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डिसइन्वेस्टमेंट। कोई दिक्कत? देखिए डिसइन्वेस्टमेंट का डिफिनेशन, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? विनिवेश। विनिवेश अच्छा है, इसमें लिखिए विनिवेश एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से, विनिवेश एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी कंपनी में निवेश को कम किया जाता है, किसी कंपनी में निवेश को कम किया जाता है। वर्तमान में इसका एग्जाम्पल कौन सा होने वाला है? LIC। तो लिख लीजिए, वर्तमान में सरकार LIC में विनिवेश करने वाली है। डिस इन्वेस्टमेंट इज अ प्रोसेस इन विच इन्वेस्टमेंट इज रिड्यूस इन अ इन एनी कंपनी। वही सर है क्या? क्लास ओवर कर दे।